G20 के ऐतिहासिक रूप से सफल होने से कांग्रेस के शशि थरूर गदगद हैं। वजह ये कि दुनिया के सबसे कठिन सवाल का जवाब भारत ने खोज निकाला। यही वजह है कि शशि थरूर मोदी सरकार की सराहना करते नहीं थक रहे। ये बात और है कि थरूर की ये खुशी उनकी पार्टी कांग्रेस के लिए गम का कारण है, जो G20 की सफलता से मुंह चुराकर दूसरी तीसरी बातें कर रही है। कोई कह रहा है कि जानवरों और नागरिकों को विदेशी नेताओं से छिपाया गया, तो किसी ने कहा कि गरीबी को ढक दिया गया, किसी को विकास तैरता नजर आया तो किसी को कुछ और दिखा। लेकिन इस सब से अलग थरूर ने कहा, G20 सदस्यों की नई दिल्ली में घोषणा निसंदेह भारत के लिए कूटनीतिक जीत है। शशि थरूर ने कहा, ये एक अच्छी उपलब्धि है क्योंकि G20 समिट से पहले तक ऐसी उम्मीद थी कि कोई समझौता नहीं होगा, इसलिए संयुक्त बयान जारी करना संभव नहीं हो सकता। G20 के पहले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि औपचारिक रूप से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट घोषणा पर आम सहमति बन गई थी, इसलिए संयुक्त बयान जारी करना संभव नहीं हो सकता। थरूर ने नई दिल्ली घोषणा पर सभी सदस्य देशों को आम सहमति पर लाने के लिए भारत की सराहना की। साथ ही उन्होंने G20 में विपक्ष की अनदेखी को लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। G20 में कई देश यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की निंदा करना चाहते थे, तो वहीं रूस और चाइना इस विषय का उल्लेख नहीं करना चाहते थे। थरूर ने कहा कि भारत इस अंतर को पाटने का फॉर्मूला ढूंढने में सक्षम रहा। ये एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि है, क्योंकि बिना साझा बयान के कोई शिखर सम्मेलन होता है तो इसे हमेशा उस देश के लिए झटका माना जाता है जो इसकी अध्यक्षता कर रहा होता है। G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन पर थरूर ने कहा, सरकार ने वास्तव में इसे पीपल्स G20 बना दिया। साथ ही थरूर ने यह भी कहा, बीजेपी ने दुनिया के नेताओं के इस विशाल सम्मेलन को अपने लिए एक उपलब्धि में बदलने की कोशिश की। थरूर ने कहा कि अध्यक्षता के दौरान भारत सरकार ने कुछ ऐसा किया जो पिछले G20 के अध्यक्षों ने नहीं किया था। वास्तव में इसे राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बना दिया। 58 शहरों में 200 बैठकें हुई। कुछ मायनों में G20 के संदेश को पूरी जनता तक ले जाने का श्रेय भारत को दिया जाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने एक ओर जहां G20 के लिए सरकार की तारीफ की, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। थरूर ने कहा कि दिल्ली घोषणा पत्र पर आम सहमति बनाने के लिए जिस तरह से प्रयास किए गए, अफसोस की बात है कि घरेलू मामलों को सुलझाने में सरकार की ओर से सुलह और सहयोग की वैसी भावना नहीं दिखती। उन्होंने कहा, ये दुख की बात है कि G20 में जो समायोजन की भावना दिखी, वह भारतीय राजनीति में अनुपस्थित है। थरूर ने कहा, G20 के किसी भी कार्यक्रम, स्वागत समारोह, रात्रि भोज आदि में विपक्ष के नेता और वास्तव में किसी भी विपक्षी सांसद को आमंत्रित करने में विफल रहना मेरी बात को रेखांकित करती है। कोई भी अन्य लोकतंत्र इस तरह के वैश्विक मंच पर अपने ही सांसदों की इस तरह से उपेक्षा नहीं करेगा। थरूर ने कहा कि अफसोस की बात है कि G20 में समायोजन की जो भावना थी, वह भारतीय राजनीति में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।